न्यूज़ शोज में एनालिस्ट का बड़ा रोल होता है और एनालिस्ट जो है शो को दम देता है, उसको उठाता है या उसको बिठा देता है। कई एनालिस्ट पॉपुलर होते हैं और कई एनालिस्ट अच्छे होते हैं। अच्छा एनालिस्ट वो होता है जो माजी के वाकयात को लेकर मुस्तकबिल में के मुतालिक प्रेडिक्शंस कर सकता है, उसकी प्रेडिक्शंस सही आए। और पॉपुलर एनालिस्ट वो होता है कि उसका तज्जिया फेल हो या पास हो, वो हर दिल अजीज रहता है। जैसे शेख रशीद साहब एक बड़ी एग्जांपल हैं कि उनकी गोया हर प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, लेकिन वो इंतहाई मकबूल एनालिस्ट हैं। वो जिस शो में आते हैं, जिस चैनल पर आते हैं, वो उसको दम दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पॉपुलर एनालिस्ट में इस बारी जो तीन लोगों को हमने चुना, उनमें तीसरे नंबर पे हैं फवाद चौधरी। वैसे तो अब इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये जो अपने फिल्मबदी जुमले बोल जाते हैं और ये जो इनकी विट है, वन लाइन्स हैं, वो इनको इंतहाई मकबूल करके उन्होंने रखा हुआ है। और फवाद चौधरी एक हर दिल अजीज़ पॉपुलर एनालिस्ट हैं। इस वक्त हर एक चाहता है कि उनके शो पे हों। हसन निसार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसन निसार साहब गुरु हैं इस काम के, और हसन निसार साहब अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। बल्कि जब वो बेबाक ना हों, अगर कभी थके हों कुछ हों, तो लोगों को हैरानी होती है, लोगों को परेशानी होती है। हमसे लोग फ़ोन करके सवाल करते हैं कि भाई हसन भाई की आज तबीयत ठीक थी, उन्होंने ज़्यादा कोई बुरा भला नहीं कहा। लेकिन 2016 में जिस एनालिस्ट ने लीप्स एंड बाउंड्स अपनी तरक्की की है, आपका उसको एग्री करना या डिसएग्री करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसने अपने आप को मनवाया, और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि सबसे पहले वो खरा सच प्रोग्राम में एज एन एनालिस्ट आए, जनाब आरिफ हमीद भट्टी, ब्यूरो चीफ हैं ARY लाहौर के और एनालिस्ट हैं, और गालिबन इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सबसे मारूफ और पॉपुलर एनालिस्ट हैं।